और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है अगर किसी मुल्क से भी हम सीख सकते हैं वो है चाइना क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट मॉडल है वो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है इनकी पिछले तीस पैंतीस साल में चाइना ने जिस स्पीड से डेवलप किया और जो तरीका इनका डेवलपमेंट का है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान उसे सीख सकता है इनकी डेवलपमेंट का जो मॉडल था इन्होंने कैसे इंडस्ट्रियलाइज़ किया कैसे स्पेशल एक्सपोर्ट ज़ोन्स बनाए बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए और उस इन्वेस्टमेंट से फिर इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई इन्होंने इंसेंटिवाइज़ किया उनको उससे इनकी दौलत बढ़ी जब मुल्क की दौलत बढ़ी तो इन्होंने जो सबसे दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा काम किया लोगों को गुरबत से निकाला ये जो चाइना ने सत्तर करोड़ लोगों को पिछले तीस पैंतीस साल में गुरबत से निकाला है इसका कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है और हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस ही है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है हमने अपने लोगों को ग़ुरबत से निकालना है और हमने डेवेलप ये नहीं कि अमीर अमीर होता जाए और वो फिर वो जो ट्रिकल डाउन अफेक्ट ये जो एक पुराना एक न्यू लिबरल थ्योरी थी डेवलपमेंट की हम उसमें नहीं बिलीव करते बल्कि इनकी थ्योरी में बिलीव करते हैं कि जब आप नीचे से लोगों को ऊपर उठाते हैं तो तब असल में डेवलपमेंट होती है और इन्होंने साबित किए और दुनिया की मैं सबसे तेज़ी से आज अगर एक कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है तो हमें इनसे सिर्फ यही नहीं कि हम इनसे जो हमारे आ, जो हम चाहते हैं कि री लोकेशन हो चाइनीज़ इंडस्ट्री की पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हमने बनाए हैं रशा कई और आ, 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 तीन तीन चार और जो हमारे जोन्स हैं हमारी पूरी कोशिश यह है कि उधर चाइनीज़ इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें उनको रीलोकेट करवाएं और उधर से फिर कोशिश करें कि वो फिर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से करें पाकिस्तान से वेटनाम में जो चाइनीज़ इंडस्ट्री ने रीलोकेट किया और जो एक्सपोर्ट्स वो बहुत बड़ा एक वियतनाम की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बन चुका है हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी आ, पिछले पचास साल से हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की लिहाजा जो हमारा हमें आई एम एफ़ के पास क्यों जाना पड़ता है क्योंकि हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं जो खसारा होता है उसकी वजह से जो जो करंट अकाउंट होता डेफिसिट होता है उसकी वजह से हमें आई के पास जाना पड़ता है और मुसलसल कर्जे लेने पड़ते हैं फिर आई के प्रोग्राम में जाना पड़ता है फिर अपनी इकॉनमी को स्क्वीज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से लोगों के ऊपर मुश्किल आती हैं और ये जो हम चाहते हैं कि अब और इन चाइनीज़ के साथ हम बैठ के पूरी प्रोग्राम करेंगे कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं शुरू में और अब अल्लाह का शिक्र है पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशल है हम जो जिन चीज़ों पर काम कर रहे हैं इन शाला एक टाइम लैग के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी लेकिन शॉर्ट टर्म में हम चाइनीज़ से पूरी हेल्प लेंगे तो एक तो इंडस्ट्री के अंदर दूसरी एग्रीकल्चर पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो बदकस्मती से बहुत ही नीचे है इसके ऊपर कभी किसी ने तोजो नहीं दी तो चाइनीज़ के साथ हम मिल के अब अभी से प्रोग्राम बना रहे हैं कैसे हम अपनी सीड डेवलपमेंट कर सकते हैं कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं इनके पास जो टेक्निक्स हैं और जो इन्होंने किए हैं वो इन हमारा पूरा कोऑपरेशन और सी का जो अगला अब जो उसका अगला हिस्सा आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है मैं आपको जे और ये जो एम का आपने आज ये किया है कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके साथ और ये जो आप गाड़ियाँ प्रोड्यूस इन मार्च में गालिबन आप करना शुरू करेंगे तो ये इसलिए अच्छा है पाकिस्तान में कि इससे इसके जो इफेक्ट्स जाएंगे सारी इकानमी के अंदर ऑटोमोल ऑटोमोबील इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी रिपल इफेक्ट सारी इकानमी में जाते हैं और सिर्फ एक ही नहीं कि एक सेक्शन ग्रो करता है बल्कि रोजगार लोगों को देते हैं इससे स्किल डेवलपमेंट होती है इससे पूरी डाउन द लाइन सारी जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं जो ऑटो पार्ट्स हैं सब कुछ डेवलप होता है तो ये आप ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया मैं फिर से मुबारक आपको देता हूँ और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हम और अब जॉइंट वेंचर्स करेंगे चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ ताकि हम और उनको अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में आ, मैं आखिर में हमाद ने बड़ी तफसील में बताया सबको कि पाकिस्तान का सिचुएशन क्या था जब हमें गवर्नमेंट मिली किस तरह के चैलेंजेस थे पहला साल हमें स्टेबलाइज करने में लगा इकानमी में जब भी आप इकॉनमी को स्टेबलाइज करते हैं आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ता है और जो दूसरा साल था बदकस्मती से उसमें कोविड आ गई और कोविड में अल्लाह का मैं ख़ास शुक्र अदा करता हूँ उसका करम है कि हम जिस तरह हमने हमारी जो पॉलिसीज़ बनी जिस तरह हम कोविड से निकले हैं दुनिया में सिर्फ पाँच छः मुल्क हैं जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल देता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टेयर किया नेविगेट किया इस मुश्किल वक्त से कि लोगों की जान भी बचा ली बीमारी से और साथ साथ आ, अपने लोगों को भूख से भी बचा लिया अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाना लेने के लिए हमारे से बहुत अमीर मुल्क उधर जो उन मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का हाल है अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने लोगों को बचा लिया हमारा तो वैसे ही पच्चीस फ़ीसद लोग गर्बत की लकीर से नीचे थे तो हमें तो सबसे बड़ा खौफ यह था पिस जाएगा बिल्कुल इसमें मैं अपने एहसास प्रोग्राम में डॉक्टर सानिया को ख़ास तौर तो पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा पैसा और इतनी शफाफियत से डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे कि बहुत हमारा जो निचला तबका था वो बच गया चैलेंजेस आगे भी हैं इस साल और भी चैलेंजेस हैं आ, आ, और वो हमारे नहीं सारी दुनिया में इस वक्त चैलेंज आया क्योंकि सेकेंड वेव आया हुआ है लेकिन इन जो हमारा तजर्बा इस मुश्किल वक्त से दो साल और ख़ास तौर तो पर पिछले साल जो हम हमारा तजर्बा हुआ है इन हम अब तैयार हैं हर किस्म का अब चैलेंज फेस करने के लिए ये जो दो हज़ार इक्कीस है ये इनशाला वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसकी इस वक्त बूम कर कर रही है सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं इसका मतलब कि सीमेंट जब इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है जिस तरह हम आज ने मैंशन किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है टेक्सटाइल के वर्कर नहीं मिल रहे मज़दूर नहीं मिल रहे टेक्सटाइल के फैसलाबाद में सियालकोट में और गुजरावाला में और आगे ऑर्डर्स हैं हम सबसे से बड़े में सबसे तेज़ी से अगर कोई रिकवर किया है कोविड से तो पाकिस्तान किया है एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेज़ी से बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है इस ये जो साल है हमारा 2021 का इसमें हम हमारी जो पॉलिसी है बड़ी सिंपल है हमने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी है हमने अपनी इंडस्ट्री की मिली हमारा जो एहसास प्रोग्राम है मेरे जो इस साल दो आ, इस साल के अंदर जो दो मैं अपने आप को टागेट मुल्कों में भी नहीं होती कि हर हर घराने के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी ताकि कहीं भी अगर आ, उनको कोई के प्रोग्राम के जरिए और जिसमें मैं सारी कॉम को इन्वॉल्व करूंगा हेल्थ कवरेज नहीं है और दूसरा जो इनशा मैं अब प्रोग्राम लॉन्च करने लगासास प्रोग्राम के जरिए और जिसमें मैं सारी कॉम को इन्वॉल्व करूंगा कि वो प्रोग्राम ये है कि कोई पाकिस्तान में भूखा ना सोए हमारी अब पूरी कोशिश है, है। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एरियाज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे जिधर-जिधर सबसे ज़्यादा लोगों को जिधर भूख है और हम सारा मुल्क इसमें एन को अपने जो लोग खैरात देते हैं पाकिस्तान में बहुत खैरात दी जाती है उनके साथ गवर्नमेंट एहसास प्रोग्राम ये मिल के कोशिश ये है कि साल तक हम ये पूरा अपना प्रोग्राम जब अनफोल्ड करें जो डेवलप कर रहे हैं अभी इन एक ये वो मुल्क बन जाएगा कि कोई कोई पाकिस्तानी भूखा नहीं सोएगा शुक्रिया वजर आजम इमरान